राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आज सूर्य सप्तमी के अवसर पर अनिवार्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश पर स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार करवाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद राजस्थान में धर्म को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अपने हाथ थोड़ा कर दिया वापस दो। तीन, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के शिक्षा मंत्री चार पाँच नमस्कार को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी राजस्थान में छह और मुस्लिम समुदाय के जो लोग उन्होंने कहा था कि हम सात नहीं भेजेंगे और सूर्य नमस्कार आठ शामिल नहीं होंगे। लिहाजा बात जब हाईकोर्ट तक नौ भले ही मुस्लिम समुदाय की जो याचिका है दस मैं जी। शरद कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, शिक्षा मंत्री जरूर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर सियासत जबरदस्त है। बिल्कुल, कल हाईकोर्ट भी गए थे कुछ लोग और हाईकोर्ट ने कहा कि इसे कैसे धर्म से जोड़ा जा सकता है बताइए। उसके बाद 28 फरवरी को आइएगा और 28 फरवरी को इन्होंने कहा कि तब तक तो सारा इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, आज का दिन था आज शुरू हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी नहीं माना, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा। और यहाँ पर मैं एक स्कूल में आया हूँ जो अल्पसंख्यक इलाके का स्कूल है और देखिए कहा जा सकता है कि परिंदों में फिरका परस्ती नहीं देखी, कोई मस्जिद पर जा बैठा, कोई मंदिर पर जा बैठा। यहाँ सारे लोग, सारे बच्चे बच्चियां हैं वहां पर, यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हालांकि देखिए 600 की आबादी है, बच्चे कम आए हैं और कुछ मुस्लिम संगठनों ने ये कहा था कि नहीं भेजें, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बच्चे आए हैं जो यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो सियासत चल रही थी उस सियासत को भी यहाँ पर बच्चों ने खास करके एक दिखाया है कि इसमें एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है जिसे स्कूल में किया जा सकता है और यहाँ पर मंत्र के उच्चारण के साथ ये शुरुआत हो रही है। और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। तो जिस तरह का एक कंट्रोवर्सी हुआ था उस कंट्रोवर्सी को धत्ता बताते हुए यहाँ पर जो बच्चे बच्चियां हैं वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जो टीचर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। उस्मान जी, सूर्य नमस्कार को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी लेकिन हाँ बच्चे आज कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बच्चे सब बच्चे तैयार है करने के लिए, कोई मना नहीं कर रहा। एक योगासन की तरह लेकर इसको कर रहे हैं सब लोग कि ये एक योगा है उसको लेकर। ये लोग विरोध भी कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे हैं तो वो जो बच्चा जबरदस्ती अब किसी से करते नहीं है, थोड़े बच्चों को मना कर रखा है, जो सब बच्चे कर रहे हैं कोई विरोध कर नहीं रहा आज तो। कुल 600 बच्चे हैं, बच्चे कम आए हैं। 300 बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चे तो कर नहीं पाते, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पैसे फिफ्थ से पांच तक जाते हैं बच्चे हमारे पास। कुछ विरोध भी हुआ था, कुछ गार्जियन ने कहा भी था इसके बारे में? कुछ गार्जियन कुछ भी कहा नहीं मेरे को। उस्मान जी है जो यहाँ पर करवा रहे हैं, बच्चों को देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये सूर्य नमस्कार है, इसको लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, कोर्ट गए लोग, बोले कि बच्चों का जो हमारे मुस्लिम धर्म में इस तरह से नहीं हम किसी को प्रणाम कर सकते। अभी इसको योगासन की तरह लेके बच्चे कर रहे हैं कि एक योगा है तो इससे शरीर सारे खुल जाता है, ये शरीर का जो पार्ट है सारे वो सब सही हो जाते हैं। आपके इलाके में कोई इसका विरोध नहीं? अभी तो कोई तो विरोध है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बच्चे हैं जो अल्पसंख्यक इलाकों में भी बच्चे बड़ी संख्या में आए हैं जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो एक तरह से सरकार जो ये लागू करना चाहती है लागू हो चुका है और आज से खुद शिक्षा मंत्री गए हैं एक स्टेडियम में, हालांकि सरकारी कार्यक्रम उसमें वो कर रहे हैं मगर कोशिश कर रहे हैं बच्चे आज पहली बार आज कर रहे हैं। बच्चों से पहले भी प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है शरद, रही जरा आप साथ। तो राजस्थान में सूर्य नमस्कार हो रहा है और इसको लेकर सियासत भी तेज है और बयानबाजी के दौर भी।
सूर्य भगवान सबको प्रकाश देता है, सबका अंधेरा दूर करता है और उसका प्रकाश हमको बहुत सारी व्याधियों से बीमारियों से बचाता है और इसके बिना जीना हमारा बहुत मुश्किल है। तो जो सब कुछ ये देता है तो इसकी आराधना आवश्यक है। तो सूर्य नमस्कार तो इसकी आराधना का एक प्रकल्प है एक तरह से। तो हम तो भगवान सूर्य भगवान की आराधना ही तो कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालयों में बैठे हैं जो भी जानते हैं कि सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ, ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें।